Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Tasmai Sri Gurave Namaha. अपने जीवन के सभी अनुभूतियों का निरपेक्ष भाव से जब हम विश्लेषण करते हैं, आप जरा ठीक से हिंदी में बोला करो, 90% समझ भी नहीं आए। जब अपने जो भी अनुभव होते हैं तो नॉर्मली हम लोग किसी एक छोटे से दायरे में फंस जाते हैं। जैसे किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को पति की है, किसी को पत्नी की है, किसी को बॉस की है, वो कल्डे सैक में ऐसे फंस जाते हैं कि मानो इसके परे कुछ है ही नहीं, और फिर पूरा जीवन उसी में लग जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बहुत बड़ा चित्र हो, ऑयल पेंटिंग, और उस ऑयल पेंटिंग को देखने के लिए आप 6 इंच के दूरी से देखो तो बहुत गंदा दिखेगा। यदि आप बहुत दूर चले जाओ, 1 किलोमीटर दूर, वहां से देखो तो आपको ठीक नजर नहीं आएगा, क्या है, कुछ तो भी है, क्या है ये नहीं नजर आएगा। तो करना क्या है, योग्य डिस्टेंस चाहिए। इसी प्रकार से अपने जीवन के चित्र को प्रॉपर डिस्टेंस से देखना है। ज्यादा नजदीक भी मत जाओ तो दूर भी मत जाओ। ज्यादा नजदीक जाते हैं मतलब क्या है, किसी एक चीज में फंस जाते हैं तो उससे निकलने के लिए हम अपने जीवन के पूर्ण जीवन का अनुसंधान करें। क्या हमारा जीवन केवल पति पत्नी भाई बहन माँ बाप यही है या इससे भी परे है? क्या हमारा जीवन केवल जागृत अवस्था ही है या जो सपने की अनुभूतियाँ उसका क्या? उसी प्रकार से क्या ये दो अनुभूतियाँ जागृत सपना ये सच है कि यह दोनों का अभाव सच है, और हम इन दोनों के अभाव के लिए कितने परेशान होते हैं। हम जाके सोते हैं माने क्या, इन दो चीजों से अब हटना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार से इसको वेदांत में कहते हैं अवस्था त्रय विवेक, ये जो हमारी 3 अनुभूतियां है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसका विवेक करे, इसको समझे छानबीन करके, तो पता चलेगा। पहली बात, सभी की सभी अनुभूतियां मन में होती है। अब कुछ मन की अनुभूतियों को हम मिथ्या स्वीकार करते हैं और कुछ अनुभूतियों को सत्य स्वीकार करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिस प्रकार से हम जागृत अवस्था को सत्य मानते हैं उसी प्रकार से स्वप्न को भी सत्य मानो ना, वहां नहीं मानेंगे। देखो, इसीलिए हमको ये सीखना है जागृत और स्वप्न दोनों 100% समान है, कोई फर्क नहीं दोनों में। ये सिद्धांत योग वाशिष्ठ का बहुत महत्व का सिद्धांत है। न केवलम तु तदृश्यम यावत्तु विषयम वयम जगच्चेदम कमेवाचम यथा तन्नस तथा किलम। इसलिए जो भी हमको जगत दिखता है वही से जगत प्रारंभ होता है, और यही बात सपने की है। इसलिए जो हमारी भ्रांति है कि जागृत में हम जिस घर में रहते हैं वो असली है और सपने में हम जिस घर में रहते थे वो नकली है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, केवल ये मन की ही बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये करने से क्या होगा, धीरे धीरे जगत के वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति इसके प्रति हृदय में वैराग्य जागृत हो जाएगा। वैराग्य का जागृत होना माने सबको छोड़ छाड़ करके बाबा जी नहीं बनना,
वैराग्य का जागृत हो रहा माने किसी वस्तु की उपलब्धि या अभाव दोनों का प्रभाव हम पर होना कम हो जाएगा, होगा कम होगा। लेकिन अभी कैसे होता है कि छोटी मोटी कोई चीज हो गई तो इतने विक्षेपित हो जाते हैं कि मानो बस सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए यथा स्वप्ने निर्भीर युद्ध कोलाहल गमागमा असंतो अपि अनुभूयन्ते संसार निकरास्तथा, जैसे स्वप्न में कुछ न होते हुए भी हमको सब अनुभव में आता है, इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी वही हाल है। देखो जागृत अवस्था की क्या स्थिति है, दो प्रकार की स्थिति है। एक तो ये जगत को जो हम देखते हैं ये सामान्य है सबके लिए, हमको जो गेंदे का फूल दिख रहा है आपको भी गेंदे का दिख रहा है, यहाँ जो लाइट लगी है हमको दिख रही है आपको भी दिख रही है, ये सब सामान्य जगत सबके लिए है। इस सामान्य जगत से किसी को लाभ हानि नहीं होती। फिर शुरू कहाँ से होता है संसार हमारा, जब इस जगत में हम अपना संसार प्रोजेक्ट करते हैं। देखो कैसे, जैसे हमारा मन दो प्रकार का है, सामान्य मन और हमारा विशेष मन। सामान्य मन के कारण हमारा जीवन चल रहा है, जितनी भी हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सब का सब चलता है सामान्य मन के कारण। उसके लिए अलग अलग मन नहीं होते, एक ही मन है। लेकिन इसी मन का जब एक देह के साथ तादात्म्य हो गया, आकार धारण कर लिया, तो वहां से मन में विशेषता आ गई। और ये जो विशेष मन है, ये विशेष मन एक विशेष संसार को दिखता है। देखो जैसे एक ही कन्या जब उसके पिताजी उसके तरफ देखते हैं तो अपनी पुत्री के रूप में, उसी के तरफ जब पति देखता है तो पत्नी के रूप में, पुत्र देखता है तो माँ के रूप में, तो एक में से तीन जो निकले हैं ये कौन से जगत में है, ये भगवान के जगत में है कि हमारे जगत में है। देखो जैसे ये बात सूक्ष्मता से स्पष्ट हो जाती है तो व्यक्ति जो हमको करनीय है वो करो, लेकिन उसमें फंसो मत, ये महत्व की बात है। अन्यथा पूरा जीवन इसी में चला जाता है, ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों। इसीलिए यथा स्वप्ने निर्भी युद्ध कोलाहल गमागमा, जैसे सपने में जो कुछ हो रहा है बड़ा सीरियसली लगता है कि असल में हो रहा है, असंतः अपि अनुभूयन्ते, कुछ न होते हुए भी हम उसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से हम इस जगत में कुछ न होते हुए भी अनुभव करके दुखी होते हैं। तो सिद्धांत क्या निकला, किसी वस्तु का अनुभव होना, किसी वस्तु की उपलब्धि होना, कोई वस्तु उपयोगी हो, ये उसके होने में प्रमाण नहीं है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त इसका अनुभव होता है, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होता, यह तो पृथ्वी की गति है, सूर्य पर अध्यारोपित करी गई है। दूसरी बात, इसका उपयोग है क्या, कब तो बिस्तर छोड़ेंगे, जब तो बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। आप यदि फिनलैंड नॉर्वे उधर चले जाइए, हम जब गए थे एक बार तो वहाँ 5 बजे से होटल बंद हो जाते हैं। हमने सोचा यार अभी तो सूरज ऊपर है, अभी इतने जल्दी क्या खाना खाएंगे। और फिर हम भूख लगी जब गए तो सब बंद था, अभी बंद है इतने जल्दी, जल्दी नहीं रात के 11 बजे, सूरज ऊपर था। देखो तो यह जो दिन रात है, सूर्य का आना जाना है, ये हमको नियंत्रित करता, ये उपयोग है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का उदय अस्त हो रहा है। देखो महाराज, इसीलिए अपने जीवन से ये भ्रांति निकाल डाले कि कोई वस्तु उपयोगी है, इसीलिए वो सच है। स्वप्नस्य विस्तृते दृष्टा साकारो युष्मदादिकः, दृष्टा तु सर्ग स्वप्नस्य चिद् व्योमय वा मलम सदा। तो जैसे अपने स्वप्न का दृष्टा होता है, कौन दृष्टा है,
जब सपने चल रहा है तब वो सपना पुरुष है, सुखी दुखी हो रहा है, सपना खत्म हो गया तो उसी स्वप्न को लेकर के अब ये दृष्टा है, नहीं यार वो दिखाता लेकिन सच नहीं है, झूठ है। इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना चल रहा है ना, जब तक हम इसमें फंसे हैं तभी तक ये सच लगेगा, और जब हम अपने स्वरूप में जग जाते हैं तब पता चलता है कि मैं खामोखाम बेवकूफी से दुखी था। और ये समझने के लिए एक ही उपाय है, अपने जीवन के भूतकालीन अनुभूतियों का विश्लेषण। कोई भी घटना ले लो, अच्छी बुरी, उस समय जो उस घटना के साथ हम जुड़े थे और जो कुछ हुआ था, आज उसी घटना को ले लो तो उतना प्रभाव नहीं होता। ध्यान से सुनना, जितनी भी हमारी मेमोरीज है, स्मृतियां है, वो स्मृतियां आज के तारीख में स्वप्न तुल्य है, लेकिन जब वो घटना हो रही थी तो वो सत्य था। देखो कारण क्या, उस समय हम वो भोगी थे दुख के, इस समय हम दृष्टा है। कौन है दृष्टा? दुख, दुख का अनुभव और दुखी, इन तीनों को देखते हैं अब हम। तो जीवन मुक्ति क्या होगी? जब दुख है, दुख का अनुभव है, फिर भी दुखी का जन्म नहीं होता, तब जा करके हमने जीवन मुक्ति को पहचान लिया है। इसीलिए यह जो समस्या है केवल तादात्म्य की है। दुख आना एक बात है, दुखी होना दूसरी बात है, और ये हमको सबको चॉइस दिया है। एक लड़के ने पुणे से मुझे लिखा कि स्वामी जी आप कहते तो हो दुख आने से दुखी मत होना, कैसे नहीं होना, तो हो जाओ फिर। जहां हम ये कल्पना करते हैं ना, ये संभव नहीं है, इसका एक ही अर्थ है, हमको अभी उसका महत्व समझ में नहीं आया। महत्व जब समझ में आता है हम प्रश्न नहीं पूछते, हम उसके पीछे लग जाते हैं। इसीलिए निरुपादान समारंभम अभित्तामिव चिन्नवा पश्यति अकृतम एवं जगत स्वप्नम कृतम यथा। तो बिना किसी आधार के, बिना किसी उपादान के हमारे सप्त में सब निर्माण हो जाता है ना, वहाँ पंच महाभूत निर्माण हो जाते हैं। किसके आधार से? कोई आधार नहीं उसका। और ये सपना कहाँ दिखते देखते हैं हम? कौन से देश में? भारत देश में कि बाहर के जगह जा करके? इसी प्रकार से यह जो जागरण सपना है इसकी वही स्थिति है। तो अपना सपना जैसा होता है इसी को भगवान का सपना समझ लो। आप ध्यान से सुनना, इसको भगवान का सपना समझ लिया तो हमको कैसे जीना है? अपने को जो जो रोल दिया है वो रोल करो, उसके साथ तादाद में मत करना। और एक हाथ बार भगवान की तरफ देख करके, भगवान यार बोर हो गया मैं, अब मुझे घर बुला लो, चलो अपने आप वापस चले आओ। देखो सबका तात्पर्य क्या निकला, जो अनुभव किसी अनुभवी को निर्माण नहीं करता वो परमात्मा है। एक्सपीरियंस विदाउट एन एक्सपीरियंसर, वह ज्ञान जहां ज्ञाता निर्माण नहीं होता। कौन सा है वो ज्ञान, वो अनुभव? अपना होना, अपने इस होने में रह करके हम सब कुछ बने, कोई बात नहीं, माने पति पत्नी भाई बहन बने, लेकिन रहे स्त्री या पुरुष के रूप में। तो जैसे एक एक्टर होता है स्टेज पर, वो बनता है अनेक लेकिन रहता है अपने रूप में। इसीलिए दीर्घ स्वप्न मिदम विश्वम विद्यंत हंतादि संयुतम सर्गादव आत्मभूतिर्वा स्वप्न अनुभवात्मकः। तो
यह संपूर्ण जो जगत है ये दीर्घ सपना, बड़ा लंबा सपना चल रहा है और ये सपना भगवान के अंदर चल रहा है। जैसे हमारा सपना हमारे अंदर होता है, इसी प्रकार से यह जगत का सपना भगवान के अंदर चल रहा है और हम उसमें हैं। इसीलिए वी आर इंक्लूडेड इन द डिवाइन। ये सब बातें भगवान राम को सपने में भी झूठ नहीं लगी और इसीलिए जब उनके जीवन में प्रसंग आए, पहले उनको राजाभिषेक की बात हुई तो वो फुदकने नहीं लगे, फिर जंगल में भेज दिया तो रोने नहीं लगे। उनको मालूम था ये सपना चल रहा है और जब तक के अपना रोल है वहाँ जा कर के रहने का, वहाँ जा कर रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे, कोई सी परेशानी की बात है। जैसे हम गए थे चाइना, हर एक को यही चक्र होता, स्वामी जी आप वहाँ खाते क्या है? हमने कहा हमारा सर क्या खाते हैं। अब मुझे जब मालूम है वहाँ मुझे इतने दिन रहना है तो रह लो, फिर वापस तो जाना ही है ना। इसी प्रकार से यहाँ जो जो अपने को करना है करो और जहाँ मौका मिले सो जाओ। देखो, और यदि जगत में व्यवहार करते समय सो तो दुखी कभी नहीं होगे। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। तो स्वप्ने नगर वास्तव्या सत्या न सुरीरि में तथापि अभी तदाकारे न सत्यम ने मनागपि। जिस प्रकार से सपने में जो नगर है उसमें रहने वाले लोग हैं वो सब के सब ऐसा लगता है कि रियल है लेकिन रियल नहीं होते, उसी प्रकार से यह जो जागृत सपना है इसमें भी पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर कहीं इनकी स्थिति नहीं है। इस सत्संग से आपको यदि इतनी ही बात ग्रहण हो गई कि आप असल में स्त्री या पुरुष हो और बाकी का जो बोझा ढो रहे हो ना, पति पत्नी भाई बहन सास बहू माँ बाप, इससे मुक्त हो जाओगे। कितना सहज है, इससे और क्या सिंपल हो सकता है। तो जो जो अपने को करना है कर डालो खल्लास। एक घर में हम गए थे, ये हमने कहानी कहीं बताई होगी, मुंबई की बात है। तो शाम को 4 बजे के करीब थे, चाय पानी पीने के लिए गए, उतने में उनके बच्चे आ गए, लड़की और लड़का, लड़का छोटा लड़की बड़ी, वो होगी कोई 6वीं 5वीं में, लड़का था 2री 3रे में। आने के बाद लड़के ने धड़ाल से अपना बस्ता फेंक दिया, जूते फेंक दिए, जाकर सोफा पे बैठा, कार्टून शो शुरू और मम्मी को चिल्लाया मम्मी कुछ देव खाने के लिए, और लड़की अपने कमरे में गई। हमने कहा वो नहीं बाहर आती क्या? बोले वो अब विचित्र है, हम उससे बात नहीं करते। तो फिर वो आधे घंटे के बाद आई, तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा भाई आकर के देखो टीवी देख रहा है खा रहा है, तुमने क्यों नहीं किया? बोले स्वामी जी उसका होमवर्क मम्मी पापा करते हैं, मेरा होमवर्क मुझे करना पड़ता है। मैं क्यों, तुम्हारे पापा नहीं करते तुम्हारा होमवर्क? एक बार किया था, मुझे पनिशमेंट हुई बाद में, पापा को कुछ नहीं आता। तो बोले मुझे मेरा होमवर्क करना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, स्कूल से आने के बाद स्कूल के यूनिफॉर्म में रहते हुए ही अपना होमवर्क पूरा कर देती हूँ। और एक बार वो होमवर्क पूरा हो गया फिर मैं मस्त रहती हूँ। कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितना बड़ा संदेश है। देखो जो आपको करना कर डालो ना, हम करेंगे भी और रोएंगे भी, मत करो। देयर आर 3 ऑप्शंस, व्हाट एवर यू आर सपोज टू डू, डू इट चेयरफुली हैप्पीली। इफ यू डोंट वांट टू रिजेक्ट, नो आई वोंट डू इट। लेकिन हम एवरेज लोग हैं ना, ऊपर से दिखाएंगे अच्छा मैं कर लेता हूँ और अंदर से गुजर 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 सबको मिलेगा मंदिर। ये ऐसे जो होते हैं डिस्गस्टेड पर्सनैलिटीज, इसलिए ये थर्ड
प्रकार के लोग है ना, ये गुडी गुडी ब्रांड होते हैं। मुझे ये गुडी गुडी ब्रांड लोगों से बहुत डर लगता है। इनके दिखाने के दांत अलग होते हैं, चबाने के अलग होते हैं। बी योरसेल्फ, रिलैक्स, डोंट ट्राई टू बी समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन एनीवन। इसीलिए एतदास्ताम इदं तावत् जगत् जाग्रह मन्य से तद विद्धि तत्स्वप्न मेवांतर देश कालाद्य पूर्वकम। इसीलिए आप सिद्धांत बताते हैं कि यह जो जागृत जगत है ये स्वप्न के जैसा ही है, और जिस प्रकार से जागृत अवस्था में देश काल वस्तु व्यक्ति होते हैं वैसे ही स्वप्न में भी होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 100 साल हमारे, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्राणियों की घड़ी भिन्न होती है। हम जिसको कहते कि हमारी आयु 100 साल की है, कुत्ते की 20 साल की है, ऐसा नहीं होता। कुत्ते की आयु उसके दृष्टि से 100 साल की है, लेकिन दोनों के जो टाइम स्केल है वो भिन्न है। जैसे जागृत का टाइम स्केल भिन्न होता है, स्वप्न का भिन्न होता है। सपना होता है हार्डली 2-4 मिनट का, और ऐसा लगता है कितने बड़ी सारी चीजें हो गई और कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति दोनों जगह सामान्य है, स्केल डिफरेंट है। एवं इस प्रकार से सर्वमिदं भाति न सत्यम सत्यवस्थितम। तो जो जो हमको अपने इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण हो रहा है यह भाति न सत्यम, ये सच नहीं है, लेकिन सत्यवस्थितम ऐसे लगता है कि ये सत्य है। जब ये बात समझ में आती है ना तो क्या होता है मालूम है? जैसे हमको लोग कहते हैं आप इतने जगह जाते हो, प्रवचन करते हो, लोग बदलते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमको दुख तब होगा ना कि जब हमने मान लिया कि असल में सुन रहे हैं। हमको क्लियर है एकदम, और हम जो बोल रहे हैं वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं टाइम पास करने के लिए, किसी को सुधारना नहीं है। उपनिषदों में स्पष्ट आता है कोई किसी को सिखा नहीं सकता, हर एक को स्वयं सीखना पड़ता है। उपनिषद कहती है अधि ही भगवो ब्रह्म विद्या मरिष्ठां, ओ गुरु महाराज हमको ब्रह्म विद्या सिखाओ। गुरु महाराज कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही तुम सीखो, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, अपने को सीखना पड़ता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक साधना माने स्वयं पर हमको काम करना है, दूसरों पर नहीं। अच्छा महाराज, एवं सर्वमिदं भाति न सत्यम सत्यवत् स्थितम। उदाहरण देते हैं रंजयत्वपि मिथ्यैव स्वप्न स्त्री सुरतोपमम। जैसे सपने में ही लड़का लड़की से प्यार कर रहा है, लड़का लड़की से भोग कर रहा है, और फिर उसे बच्चे हो गए, सब कुछ हो जाता है सपने में, और जाके उठा थैंक गॉड कुछ नहीं था, लेकिन भोग तो कर लिया ना। अब कौन सी लड़की से उसने भोग किया था? देखो संतो, ये इतनी सत्य बात है। कई बार कुछ उल्टा सीधा, जैसे कभी लगता है कोई आके छाती पर चढ़ गया है और काट रहा है, ये न होते हुए भी केवल भासता मात्र है। इसीलिए इस जगत को सत्य के रूप में मानेंगे तो दुखी हो जाओगे। अब जीवन जीवन प्रति विश्व सपना, अब ये जो दुनिया है इसमें हरेक का अपना अपना सपना है। प्रत्येक मुदितो राम नूनम संस्कृति खंडक रात्रो सैन्य सैन्य नर स्वप्न जाल वर्षात्मने स्फुट। प्रत्येक मुदितो राम नूनम संस्कृति खंडक, हे राम हरेक व्यक्ति अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के सपने देखता है। जैसे कोई आर्मी में हो तो हरेक जो वहाँ का जवान होगा उसके अलग अलग सपने होंगे। पृथक प्रत्येक मुदितम प्रतिचित्तम जगत भ्रम। इसी प्रकार से हरेक के मन में इस जगत को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार का भ्रम है। जो यहाँ रहते हैं भारत में उनका भ्रम ये है, ओ अमेरिका कितना बढ़िया है, और फिर बड़े धक्के धुक्के खा के अमेरिका चले जाने के लिए ट्राई करते हैं और गए।
हमने एक कहानी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गुजराती. एवरी गुजराती इज बॉर्न इन नवसारी, आई डोंट नो व्हाई. ये कहानी में प्रश्न नहीं पूछते. और उसके बाद उसको नवसारी में मजा नहीं आता, फिर वो अहमदाबाद में चला जाता है. अहमदाबाद रहने के बाद भी मजा है, फिर वो मुंबई आता है. गुजराती कभी बॉम्बे नहीं आता, मुंबई आता है. मुंबई समाचार गुजराती न्यूज़पेपर है. फिर बॉम्बे में आने के बाद वो यहाँ खुश नहीं है, फिर चला जाता है अमेरिका जाएगा. अमेरिका गया खुश है क्या? नहीं. फिर वहाँ ग्रीन कार्ड लेना है, ग्रीन कार्ड ले लिया, फिर खुश है क्या वहाँ? नहीं. अब वहाँ का सिटीजन बनना है, मेहनत करेगा सिटीजन बनेगा. तब तक के 65 साल हो गए. फिर चलो नवसारी, ठीक है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्. देखो महाराज, फिर अमेरिका से वापस क्यों आ गए? नहीं, अब बर्तन धो के तंग आ गए. पूरा लाइफ हमारा मन हमको नचा रहा है, ये समझ में नहीं आता. यदि आप बिल्कुल सरल सरल प्रकार से समझ लो, हम जहां हैं वो हमारे उद्धार के लिए योग्य स्थान है. जैसे प्रकृति में कौन सी वनस्पति कहाँ उगनी चाहिए, ये वनस्पति निश्चय नहीं करती, ये नेचर डिसाइड करती है, प्रकृति करती है. इसी प्रकार से हमारा उद्धार कहाँ होगा ये प्रभु जानते हैं, वही हमको भेजते हैं. लेकिन हम फिर भगवान पर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, नहीं भगवान आपने मुझे यहाँ नहीं भेजना था, मुझे आपने झुमरी तलैया भेजना. बदलते रहो और भटकते रहो, कुछ निकले का नहीं. तो पृथक प्रत्येक मदितम प्रतिचित्तम जगत भ्रम, फिर यही जगत का भ्रम हो जाता है. वहां अच्छा है, यहाँ अच्छा है, कोई कहीं अच्छा नहीं है. यदि आप जैसे कहते हैं, रविदास महाराज कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा. आपका मन प्रसन्न है, सब कुछ ठीक है. अच्छा, न किंचित अपि जानाति निज संवेदना त्रुते. और सबसे महत्व की बात है, जगत क्या है? जो हमारे मन में प्रवेश करता है वही जगत है. जो हमारे मन में प्रवेश नहीं करता उसकी हमारे लिए सत्ता नहीं. जैसे यहीं या कहीं तो भी हुआ था, ऐसा स्टेज था, और या फिर आनंद मंगल कैंप में हो गया हो, तो हम बैठे थे, लेक्चर हो रहा था. एक छोटी सी लड़की बड़ी प्यारी, और वो आई चढ़ कर के ऊपर, आके मेरे पास आकर कहती है, स्वामी जी आपके बियर्ड में एक स्पाइडर है. हमने कहा टिश्यू पेपर ले लो, धीरे से उसको निकालो, बाल मत खींचना और उसको मारना भी मत, बाहर जाके फेंक दो. उठा के लेके फेंक दी और हमारा प्रवचन चालू. तो वो स्पाइडर हमारे दाढ़ी पर है, ये हमको मालूम नहीं था, माने उसने हमारे मन में प्रवेश नहीं किया था. हमारे लिए वो वस्तु थी नहीं, लेकिन उस कन्या ने देखा तो उसके लिए वो वस्तु थी. तो सिद्धांत क्या निकला? जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है उसी की सत्ता हमारे लिए होती है. और ये वस्तु प्रवेश कैसे करती है? हम जिसको महत्व देते हैं वही हमारे मन में प्रवेश करते हैं. महत्व दो प्रकार का, एक महत्व है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव. किसी से प्यार करो तो घुस गया दिमाग में, किसी से द्वेष करो तो घुस गया दिल में. दिमाग से तो आदमी निकाल सकता है, दिल से नहीं निकाल सकता. तो करे क्या? केवल समझदारी. समझदारी ये है, ये कल्पना मत करना कि हमारे मन में राग द्वेष नहीं होगे, ये स्वाभाविक है. जैसे कपड़े को बनाते हैं, धागे को एक दूसरे से क्रॉस करके बनाते हैं, उसी प्रकार से मन भी ये दो तत्वों से बना है,
एक तत्व है राग, दूसरा है द्वेष। मन से राग द्वेष को जीरो कर दो तो वही मन चैतन्य है। तो मन में यदि राग द्वेष है, पर सबके लिए है, देखो भगवान कृष्ण के शब्द है, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हरेक के जीवन में, मन में, इंद्रियों में राग द्वेष होना स्वाभाविक है। फिर करे क्या? तयोः वशम न आगच्छेत्। इस राग द्वेष के प्रभाव से जीवन नहीं जीना है, क्योंकि तौ यस्य परिपंथिनौ। यह राग द्वेष जो है हमारे जीवन के शांति के लुटेरे हैं, परिपंथी माने लुटेरे। देखो महाराज, तो पूरी साधना क्या हो गई? दुनिया को अपने मन में प्रवेश करने से निषेध कर दो, माने ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषो स्थिर प्रिया। ये अभ्यास करने से फल में क्या होगा? आपका मन हमेशा खाली रहेगा। हमारी स्थिति क्या है? फोन के जैसी। एक जगह हम कहीं थे, पूना की बात है रिसेंटली, तो एक अम्मा आकर, स्वामी जी मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। तुम नहीं ले सकते। बोले क्यों स्वामी जी? आप दूसरे को तो दूसरे तुम नहीं ले सकते। बोले क्यों? मैंने लेके दिखाओ। वो आई, स्टाइल मारी, बोले मुंह टेढ़ा मत करना। एक बार एक माँ ने अपने लड़के को फोन किया, बेटा घर जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। क्या हो गया माँ? देखो तुम्हारी बीबी कैसा मुंह कर रही है, नीचे गिर रही है, टेढ़ी हो रही है, कुछ उसको पागलपन तो नहीं आ गया? नहीं, वो सेल्फी ले रही है। देखो सेल्फी वाले सब ऐसे ही होते। तो ये अम्मा, जबकि मैं सेल्फी लूंगी, लेके दिखाओ। आ गई, खड़ी हो गई, दबाया स्विच, वहां मैसेज आया, नो स्पेस, लेके दिखाओ। इसी प्रकार से हमारे मन में राग द्वेष का इतना भंडार हो गया है कि समझदारी या विजडम को प्रवेश करने के लिए जगह ही नहीं। पहले खाली करो ना। हमारी स्थिति कैसी है? सूटकेस वही होगी, कोई भी सूटकेस दे दो ये माताओं को, आप कोई भी सूटकेस दे दो, वो हमेशा छोटी ही होती है। फिर उसके ऊपर में हस्बैंड को चढ़ा दी, इसके ऊपर बैठ, वो गधा चढ़ भी जाता है, और फिर जोर से वो जिप करेंगे और जिप टूट गई। अरे खाली करो महाराज, खाली करो, कितना भर के रखा है। और इसीलिए फिर हम हैंगअप हो जाते। तो ये जगत जो है ना, मन में प्रवेश करने के बाद ही हमको अनुभूति में आता है। तो जगत को प्रवेश मत करने दो, दोस्त मत निर्माण करना, दुश्मन मत करना, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, हमेशा खाली रहो। एक ने मुझे लिखा, स्वामी जी समझो हमको, समझो किसी को किसी के साथ रहना ही है, लेकिन वो बहुत परेशान है, तो उसने क्या करना चाहिए? हमने कहा उसकी बात छोड़ो, मैं तुमको बताता हूँ, तुम सुखी रहो, दुनिया के बारे में विचार करना ये अध्यात्म नहीं है। फिर व्हाट्सएप आया, स्वामी जी मैं अपनी ही बात कर रहा था। फिर मैंने उसको लिखा, मैं आपके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में बात करूंगा, आपको जो करना है करो। कंप्लेन करने से समस्या का हल नहीं होता। देखो आप सभी लोग शादीशुदा हो, कैसे आपको पता नहीं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। जब ये पति पत्नी 50 के अगल बगल आ जाते हैं ना उम्र के, उस समय इनके झगड़े शुरू हो जाते, और इनको ये समझ में नहीं आता कि दोनों की जो हार्मोनल बैलेंस है वो अपसेट हो रहा है।
तो पत्नी को पति नहीं समझेगा, पति को पत्नी नहीं समझेगी। उस समय केवल एक ही हो सकता है कि टॉलरेट टॉलरेट, ये तो झगड़े झगड़े झगड़े, और फिर झगड़े हमारे पास, स्वामी जी हम क्या करें। हमने कहा तुमने शादी करी थी, मुझे पूछा था क्या, आप सफर करो। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। इसलिए कहते हैं यम प्रत्युदितम सर्गो यम ये नहीं बना चेतती पदार्थ सन्निवेश स्वस्मिन स्वप्नम पुमानिव। तो जो भी जगत में दिखता है होता है वो केवल इसी मन में ही निकलता है, चाहे जागृत रहे स्वप्न रहे। तो जैसे स्वप्न का त्याग करने से हम मन में पहुंच गए, तो जागृत का त्याग कर दो तो चैतन्य में पहुंच जाओगे। कारण स्वप्न मन की स्थिति है, जागृत अवस्था बुद्धि की स्थिति है। बुद्धि से परमात्मा नजदीक है, मन से दूर है। तो रूपालोक मनस्कार ही बहिरंध्रे व्यवस्थितम सृष्टिम पश्यति जीवंतः सरसीमिव पर्वतः। इसलिए जो वैयक्तिक जगत है अपना, जो जिसको जीव भाव कहते हैं, उसी के अंदर सब जगत बैठा हुआ है। देखो ये कोई पति या पत्नी या माँ या बाप है, तो पूरी दुनिया जो है माँ बाप की वो बाहर कहीं नहीं, उसके मन में ही है। ये पति पत्नी जब झगड़ा करके डाइवोर्स करते हैं ना, एग्जैक्टली क्या होता है, असल में कुछ भी नहीं होता, केवल यही भ्रांति थी उसके कारण मैं दुखी हूं। फिर दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके हम लोग सेपरेट हो जाते, सेपरेट हो गए, नहीं फिर साथ तो रह सकते हैं ना, हाँ साथ रह सकते हैं। फिर क्या हुआ, क्या फिर कुछ नहीं हुआ, ये सब का सब अपने मन का खेल है। इसे जितनी साधना है मन के परे जाना है। स्व संज्ञानुभवे लीना तथा स्थावर जंगमा अन्य अन्यस्याम न जानती ची दुस्वादुमिव द्विजहा। देखो तो स्व संज्ञानम अनुभवे लीना तत्र स्थावर जंगमा, तो जितने भी हमारे अच्छे बुरे अनुभव है जागृत के स्वप्न के, अच्छे बुरे स्थावर जंगम स्थिर या चलने वाले सभी के सभी अनुभव अपने में वापस आ जाते हैं, फिर वापस निकलते हैं। यह अखंड चल रहा है और हम ज्यों के त्यों हैं। कल हमने देखा था, आज तक हमने कितने सपने देखे, हजारों। उसी प्रकार से हमने हजारों बार जागृत अवस्था का अनुभव किया है। तो सपनों की हम अपनी जीवनी नहीं लिखते, तो ये जागृत में क्यों फंसे रहे। इसीलिए जिसका हम हजार बार कह चुके हैं, अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से एक दिन क्लिक होगा कि वर्तमान में रहना यही आध्यात्मिक साधना है। और जब आप केवल वर्तमान में रहते हो तो 100% हो, जब कहीं भूत में चले गए भविष्य में चले गए तो ये एक जो है उसके अब भाग हो गए। 1/3 हैज गॉन इन द पास्ट, 2/3 हैज गॉन इन द फ्यूचर, एंड हार्डली देर इज एनीथिंग इन द प्रेजेंट। और फिर ऐसा व्यक्ति या तो फिर भूतकाल के अच्छे बुरे के कारण में फ्रस्ट्रेट होगा, या भविष्यकाल की चिंता में रहेगा। नेट रिजल्ट वर्तमान में रहता ही नहीं, और वर्तमान में रहना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। देखो जैसे जैसे ये बात गले उतरती है ना, आप देखो इतने हल्के फुल्के रहने लग जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कठिनाई आएगी। जैसे आपने गाड़ी चलाने में एक्सपर्टाइज कर ली, तो फिर आपको ट्रैफिक कैसी है इससे कोई मतलब नहीं, यू नो योरसेल्फ।
अंधेरी में एक अम्मा ने नई नई गाड़ी चलाना सीखा था और मुझे कहा कि स्वामी जी आपको कहीं जाना हो तो मुझे बताना, मैं आपको ले जाऊंगी, मैं सीख लिया गाड़ी चलाना, चलो अभी चलते हैं, मुझे भिंडी बाजार जाना है। हम निकले अंधेरी से भिंडी बाजार जाने के लिए, दादर आए, उसने गाड़ी पार्क कर दी। अम्मा ये भिंडी बाजार नहीं है। नहीं नहीं स्वामी जी, यहाँ पार्किंग के लिए कितनी अच्छी जगह मिली, तुम गाड़ी पार्क करने के लिए आई हो क्या? फिर वहां कैसे जाएंगे? हम टैक्सी लेके जाएंगे। फिर गाड़ी कहाँ के लिए? स्वामी जी मुझे रिवर्स करना नहीं आता। देखो, और जो एक्सपर्ट होता है उसको इसका कभी टेंशन नहीं होता। इसी प्रकार से हमको यही एक्सपर्टाइज से जीना है। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी, हमको अपने आप को वर्तमान में रखना है और जितना वर्तमान में रहोगे उतना आप प्रभु के पास हो महाराज। अच्छा, हाँ, अब जो जीव है उसका हर एक का अलग अलग अपना सपना अपना जीवन होता है। यम प्रत्युदेति सर्गोयम यह सह एनैव हि चेतते पदार्था सन्निवेश स्वस्मिन् स्वप्नं पुमानिव। तो जैसे भगवान का सपना है ये दुनिया, उसी प्रकार से हम लोगों का अपना अपना सपना है। और जैसे बाहर के जगत में ईंट पत्थर पहाड़ नाली होते हैं, वैसे ही अपने सपने में होते हैं। इसीलिए जगत गुंजा सहस्राणी यत्रा संख्यानि अपरस्पर लग्नानि कानन ब्रह्म नाम तत्। तो ये बहुत सुंदर विचार है, ध्यान से सुनना। कभी आप जाओगे दिल्ली तो बिरला मंदिर में एक छोटा सा भगवान कृष्ण का मंदिर है, विग्रह है, उसमें बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, विग्रह है, और तीन तरफ से केवल मिरर लगे हुए हैं। और उसमें आप झांक के देखो तो इस मिरर का प्रतिबिंब इस मिरर में, इस मिरर का इस मिरर में, इतने सारे हैं कि पता ही नहीं चलता कितने हो गए। इसी प्रकार से ये पूरी दुनिया जो है ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर कितने सारे हैं, कोई अंत नहीं इसका। केवल यह प्रतिबिंब है, बिंब एक ही है। जैसे वो जो विग्रह है भगवान कृष्ण का वो एक है, लेकिन क्योंकि दर्पण एक दूसरे के सामने है तो वो जो प्रतिबिंब है कितने बार, हजारों लाखों बार हो गए। इसी प्रकार से हम अपने मन में कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं, जब छोटा था तब ऐसा था, फिर ये हो गया, हट जाओ बिंब में, वापस आ जाओ। बचपन हमारा प्रतिबिंब था क्योंकि उस समय का दर्पण वैसा था। आप कभी आईना घर में गए हो क्या? गांव में ये जो होते हैं ना यात्रा, उसमें आईना घर होता है। एक बार हम गए थे बच्चों को लेके, हमको कहा एक ने, मामी जी व्हाट इज द डम थिंग यू आर डूइंग। हमने ठीक है मत करो, बोले नहीं 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 हम चलेंगे। आ गए, चार छः लाइन में दर्पण रखे थे, एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। पहला दर्पण, उसके सामने खड़े हो जाओ तो यू आर नॉर्मल, इसमें क्या देखना है, दूसरे में जाओ। दूसरे में गए, उसमें तुरंत एकदम टेप वर्म के जैसे लंबे के लंबे, अरे मैं कैसे दिख रहा हूँ। फिर हाथ फूल हिला करके देख लिया। फिर वहाँ से निकलो, तीसरे दर्पण के सामने चले जाओ, एकदम कद्दू बन गए, अरे देखो मैं कैसा हो गया। चौथे में चले जाओ तो हाथ टांग सब अलग अलग हो गए, कहाँ गिर गया कहाँ गिर गया, आ गया ना मजा। इसी प्रकार से कितने सारे हमारे टुकड़े हो गए, जब मैं बच्चा था तब ऐसा था वो था, सभी मेरे से प्यार करते थे, आजकल नहीं पता नहीं लोगों को क्या हो गया। एक के एक प्रतिबिंब, और उसमें हम खो जाते हैं। नेट रिजल्ट, हम वर्तमान में नहीं रहते। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है
मन को यदि केवल वर्तमान में रखो तो मन की मृत्यु हो जाती है। और कौन मरना चाहता है? तो मन की खुराक क्या है? मन की तीन खुराकें हैं, जैसे हम लोगों की होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। वैसे एक तो है भूतकाल की स्मृतियां, कार्बोहाइड्रेट घास का हो। दूसरी है भविष्य की चिंता, प्रोटीन। और तीसरी है वर्तमान में तुलना या कंपैरिजन। केवल यही अपने आप को दृढ़ निश्चय से एकदम संकल्प ले लो कि तीन बातों को मैं छोड़ रहा हूं। हम आपको ये नहीं कहते कि प्याज छोड़े, लहसुन छोड़े, मांस छोड़े, सब खाओ, इन तीन चीजों को छोड़ो। भूत के बारे में बोलना नहीं, भविष्य की चिंता नहीं करना, वर्तमान में किसी के साथ तुलना नहीं करना। कहां गया आपका मन? ऐसे मन से जब हम जगत में जीते हैं ना, तो जैसे भगवान राम पूरे जीवन में नाटक करते रहे, असल में कुछ नहीं किया। जैसे रामायण की कथा में आता है ना, भगवान राम कितने रो रहे थे, हे पीड़ो मेरी पत्नी, मेरी सीता कहाँ गई, उसके सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता। कितना तमाशा किया, और तमाशा को देख करके सती जी को भी भ्रांति हो गई। ये कहा है कि भगवान है रो रहे पत्नी के लिए, पत्नी के लिए जो रोता है वो इंडियन होता है, पाश्चात्य लोग पत्नी के लिए कभी नहीं रोते, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल। ठीक है यार, तुम्हारा अपना जमता नहीं बाबा है, ठीक ओवर, ये पकड़ के रखेंगे, रोते रहेंगे, जुगलबंदी करेंगे। लेकिन उनको मालूम था कि उनकी पत्नी जो रावण चुरा के ले गया वो जीरोक्स कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं थी। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मुझे कितना दुख हो गया, मैं कितना पत्नी के लिए दुखी हो रहा हूं, सब झूठ मूठ। इसीलिए ये प्यार पूर के चक्कर में मत पड़ना, अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना। अच्छा, इसके पश्चात आगे चलते हैं। बाह्यार्थवाद विज्ञान वादयो हो ऐक्यम। अब दो प्रकार के सिद्धांत शास्त्रों में आते हैं कि ये दुनिया बाहर है, और दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया हमारे अंदर है। तो इसको अब ठीक से समझ लेना, ये बड़ा क्लिष्ट विषय है। बाहर की दुनिया का जब प्रतिबिंब हमारे मन पर पड़ता है, तभी उस दुनिया का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। माने दो प्रकार की अनुभूतियां हैं। एक अनुभूति में बाहर की वस्तु का होना आवश्यक है, जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, तो सबको देखने के लिए आप सामने होने आवश्यक है, तभी मैं आपको देखूंगा। लेकिन मेरे मन में कोई पुरानी यादें हैं, उन यादों का दर्शन करने के लिए मुझे आपके सामने होने की आवश्यकता नहीं। तो दो प्रकार के ज्ञान हो गए। एक ज्ञान हो गया जिसको जागृतकालीन ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान के लिए बाह्य पदार्थ का होना आवश्यक है। लेकिन जो अपने स्मृतियों का या सपनों का ज्ञान होता है, उसमें बाह्य पदार्थ के होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये दोनों के दोनों ज्ञान केवल मन में ही होते हैं। देखो, पहला जो ज्ञान है बाह्य पदार्थ के युक्त ज्ञान, इस ज्ञान में बाहर के पदार्थ का प्रतिबिंब मन पर पड़ा, और जो दूसरा ज्ञान है मन ही मन में, उस प्रतिबिंब का छापा हमारे मन पर पड़ा था, और उस संस्कार के कारण उस वस्तु के अभाव में भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम बचपन का अपना अनुभव करते हैं, बचपन तो है नहीं यहां अभी। माने ये बाहर और अंदर
ये केवल जागृत और सपना इसको लेकर भेद है, असल में एक ही है, ज्ञान एक ही है, उसके उत्पन्न होने के दो प्रक्रियाएं मात्र है। इसे कहते हैं महाचित प्रतिभा सत्वात महानियति निश्चयात अन्योन्य में वो पश्यन्ति मिथ संप्रति बिंबितात्। कहते हैं कि केवल अपने मन की ही जो भिन्न भिन्न कल्पना है उसी के अनुसार यह टोटल ज्ञान और इंडिविजुअल ज्ञान ऐसे अलग अलग लगता है, लेकिन सब देखा जाए तो सब कुछ एक ही स्थान पर ज्ञान प्रतीत हो रहा है। स्वसज्ञान अनुभवे लीना तत्र स्थावर जगमाह परस्परम यदा सर्वे स्वसंकेत परायणा। इसीलिए हम सबको सामान्य ज्ञान क्या है, ध्यान से सुनना, सामान्य ज्ञान ये है यहाँ ट्यूबलाइट है, ये सबको सामान्य ज्ञान है। अभी हम दिन में बैठे ये सामान्य ज्ञान है, आज सोमवार है ये सबको सामान्य ज्ञान है, ये कॉमन है। लेकिन हमारा स्पेसिफिक ज्ञान क्या है, अब मुझे जाकर के कपड़े धोने हैं, मुझे जाकर के ऑफिस में जाना है, जाकर के फिर वो रिपोर्ट सबमिट नहीं किया फिर पता नहीं क्या होगा, ये विशेष ज्ञान है। और ये दोनों ज्ञान, बाहर के जगत का सामान्य ज्ञान और हमारा विशेष ज्ञान, ये दोनों के दोनों अपने में वापस आ जाते हैं और फिर वहीं से निकलते हैं। इसीलिए सभी जगत का आधार जागृत रहे स्वप्न रहे टोटैलिटी रहे इंडिविजुअलिटी रहे, सबका आधार एक ही तत्व है और वो अपना स्वरूप है, ये बताने के लिए सारा प्रपंच है। इस प्रकार से कहते हैं कि अस्माकं त्वं स्वप्न नरस्तव स्वप्न रावयम एवमेतद इदं सर्वं अन्योन्यं स्वप्नवस्थितम्। इसलिए आप हमारे सपने में है, हम आपके सपने में हैं, ये सब का सब जागृत सपना चल रहा है। एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी आप सपना देखते हैं क्या, बिल्ली को क्या सपना आता होगा, कुत्ते को क्या सपना आता होगा। हमने कहा देखो मैं बिल्ली भी नहीं कुत्ता भी नहीं, मुझे क्या मालूम, नहीं आपको तो मालूम होगा, तुमको क्या सपना आता है। भाई मेरा तो एक ही सपना है, मैं कभी परीक्षा में पास नहीं हो पाता। अब बच्चे का वैसा ही सपना होगा क्योंकि वो परीक्षा के चक्कर में फंसा है। हमने कहा बिल्ली को सपना आता है, अब बारिश हो रही है, बारिश में चूहे गिर रहे, बिल्ली दूसरे क्या सोच सकती है। कुत्ते को सपना क्या आता होगा, बहुत जोर से बारिश हो रही है हड्डियां गिर रही है। फिर आपको क्या सपना आता है, मुझे सपना ये आता मैं लेक्चर दे रहा हूँ लोग सो रहे हैं। देखो हम सब एक दूसरे के सपने में ही है महाराज, इसको कोई विशेषता नहीं है। संसारे विपुले स्वप्ने यथा सत्यम अहम तव तथा पितोपि मे सत्यम सर्वम स्वप्ने शुभम क्रमः। इसलिए ये संपूर्ण जगत एक दूसरे के सपने में चल रहा है, ये एक दूसरे के सपने की कहानियाँ जो आती है योग वशिष्ठ में वो इतनी विस्तार से लंबी चौड़ी है, कहानी पढ़ते पढ़ते आदमी भूल जाता है कि कहाँ से शुरू की कहाँ खत्म हो गई। उसका यदि तात्पर्य निकालो तो पता चलता है ये सब एक के सपने में दूसरा सपना, तीसरा सपना, चौथा सपना, फिर वहाँ से उठ करके पहले सपने में वापस आ जाता है और ये सब होते होते पता चलता है कुछ नहीं हुआ। यही अपनी कहानी है, बचपन से आज तक हम आए क्या हुआ, फिर परेशानी है स्वामी जी मरने के बाद क्या होगा। अरे यार तुम जिंदा हो तब कुछ नहीं हुआ, मरने के बाद क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये जो एक्साइटमेंट है यही संसार है। अच्छा इसके बाद बताते हैं आत्मख्याति असत्ख्याति ख्याति अख्याति ख्यातिरन्यता इत्येता चिच्चम अकृत्या आत्मख्यातिर विभूतयः। चार प्रकार के ज्ञान की बात हमारे शास्त्रों में आती है। कहते हैं अख्यातिवाद, अख्यातिवाद माने क्या कि यह जो जगत है वो केवल हमारे इंद्रियों के कारण मन के स्थिति के कारण हर एक को भिन्न भिन्न नजर आता है। दूसरा है असत्ख्यातिवाद, असत्ख्यातिवाद में ये संपूर्ण जो जगत का हमको ज्ञान है वो झूठ मूठ है, सत नहीं है,
क्योंकि हमको केवल प्रतिबिंब का ज्ञान हो रहा है, वास्तविक ज्ञान नहीं हो रहा है। तीसरा जो है वो अन्यथा ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद माने जो है वो नहीं दिख रहा, कुछ और ही दिख रहा है। और ये तीनों के तीनों आत्मख्यातिवाद के ही भिन्न प्रकार के एक्सप्रेशन है। इन शॉर्ट इट डजंट मैटर कि ज्ञान कहाँ हो रहा है, सवाल ये है इस ज्ञान का प्रभाव हमारे मन पर हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि हमारा मन जगत के किसी भी अनुभव से प्रभावित नहीं होता तो हमारे मन ने दर्पण के जैसे स्थिति प्राप्त कर ली है। मन का दर्पणीकरण करना ये आध्यात्मिक साधना है। अब मन का दर्पण करना माने क्या, माने दर्पण के क्या लक्षण है। दर्पण किसी को भी तिरस्कृत नहीं करता, दर्पण किसी को भी विशेष स्थिति प्राप्त नहीं कराता। जैसे दर्पण के सामने कोई एक अच्छी लड़की गई तो दर्पण नहीं कहता थोड़ी देर रुक जाओ यार, और हमारे जैसा बुढ़ा हो गया नहीं हट रहे दूसरे को आने दे, नहीं। दर्पण किसी का तिरस्कार नहीं करता और सबको प्रतिबिंबित करता है और किसी को पकड़ के नहीं रखता, ये सबसे महत्व की बात है। और इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए दर्पण को भूतकाल नहीं होता, दर्पण हमेशा वर्तमान में रहता है। एक बार द्वारका जी में एक आईने वाला आया था और वो बड़े विचित्र प्रकार के आईने बेच रहा था। वो आईना ऐसा था कि उसमें आप देखो तो आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, आप सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं उसका प्रतिबिंब दिखेगा, चाइनीज होगा। तो बड़ी उसकी सेल हो रही थी, फिर जो भी वहां की भगवान की रानियां थी देखती थी अपना चेहरा और उनको भगवान कृष्ण का चेहरा नजर आता, क्योंकि सबका भगवान के प्रति प्रेम था। अब दिमाग में आया अब भगवान किससे प्रेम करते, अब सब के सब उनके पीछे पड़े, ये आप दिखाएं देखिए ना। बोले मैं नहीं देखता, मैं किसी प्रेम नहीं करता। बोले नहीं नहीं नहीं, अब इमेजिन करो एक पत्नी से आप कितने परेशान होते हो, वहाँ 16,108 भगवान ने कान बंद कर लिए, हाँ बाबा हाँ देखता हूँ। और सबको लगा मेरा ही फोटो उसमें देखेगा, क्योंकि भगवान का प्रेम सबके लिए समान था कि इनकी कल्पना थी मेरे से ज्यादा प्रेम कर रहे, हर एक की होती है। तो जैसा भगवान के सामने दर्पण ले गए उसमें क्या दिखा, शकुनी मामा। अब सबके सब परेशान, भगवान शकुनी मामा से प्यार करते हैं, हाँ क्यों, उन्होंने उनका काम पूरा कर दिया। भगवान के लीला का उनका जो संवरण करना था बंद करनी थी, उसका जो सूत्रधार था वो था शकुनी मामा, क्योंकि भगवान को पता था कि मेरी यह लीला खत्म होने के बाद ये दुनिया को चलाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि 16,108 पत्नियां, हर एक पत्नी से 10 लड़के एक लड़की, गणित करो, यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, प्रोफेसर को घर भी बुलाया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो ये सब के सब उदंड हो जाएंगे क्योंकि मेरे अंश से है, और सबको परेशान करेंगे मैं जाने के बाद, तो मैं जाने के पहले इनको खत्म करना है। और इसीलिए ये काम उन्होंने शकुनी को दिया था, और शकुनी ने ये काम अच्छी तरह से किया, और सब कुछ खत्म होने के बाद युद्ध हो गया, सबका सब निकल गया कचरा, उसके बाद भगवान को अपना कचरा निकलवाना था। फिर बताया कि देखो अभी द्वारका नगरी समुद्र में चली जाएगी, प्रभा क्षेत्र में जाओ और वहाँ शांति से रहो। वहाँ जा करके ये लोग गए और मदिरा पान मांस मच्छी सब खाने लग गए, झगड़ा करने लग गए, गालियाँ देने लग गए,
भगवान को जब पता चला, उनको समझाने गए, तो भगवान को भी वो उल्टा सीधा बोलने लग गए। भगवान ने कहा मेरा नाटक पूरा हो गया, एक दूसरे को मार रहे थे। बलराम जी चले गए, तुम मरते रहो, मुझे कोई देर। और फिर भी उसमें से कुछ यादव बचे, पूरे नहीं मरे। और इमेजिन करिए जो बचे खुचे यादव, उससे ये कंडीशन है, सबके सब बचते तो ये सब भगवान की लीला चल रही है। इस पे गंभीर होकर के जीने की कोई बात नहीं। अच्छा महाराज, अब ये जगत क्या है? जगत्वम अहम इत्यादिर भी मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते यावद एतत् संभवती तावन मोक्षो न विद्यते। जगत क्या है? जब तक के मैं तू तू है तभी तक जगत है। जब तक ये दो से मुक्ति नहीं होती, मैं और तू। एक लड़की ने मुझे एक पत्र लिखा था, बहुत पुरानी बात है। एक पत्र मैंने कहा, उसमें पोएम लिखी थी, स्वामी जी शादी के पहले मैं ही मैं। मेरी शादी हो गई, फिर कुछ दिन के लिए तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कुछ साल बीत गए, फिर तू तू मैं तू तू, तू तू मैं तू तू। और फिर कुछ दिन बीते और मैं गुजराती हूँ, इसीलिए हूँ तू 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 तू, हूँ तू 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 तू, कबड्डी। पूरा लाइफ झगड़ा ही झगड़ा है। संसार शुरू होता है जहाँ मैं तू तू का झंझट है। ये मैं तूति से बचना, यही मोक्ष है। ये अपना मैं इतना स्ट्रांग होता है, सब कुछ हम ही चाहते हैं। मैं कहता हूं ऐसा होना चाहिए, और तुम हो कौन? दुनिया चलने चलने दो, ज्यादा इन्वॉल्व मत होना किसी के साथ, किसी जगत में। और ये जो अपने रिएक्शन होती है ना जीवन की, ये केवल अंदर में छिपे हुए जो दुर्गुण है वही बाहर आते हैं। कई माताएं कहती है मेरा लड़का ऐसा नहीं था, वहाँ कॉलेज में गया और गलत कंपनी में आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ बीज थे। दूसरे को बंदा नहीं करना, अपने आप को देखना है। इसलिए यहाँ जब तक के जगत त्वम अहम इत्यादि भी मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते, जब तक तू तू मैं है तभी तब ये जगत है। और तू मैं की क्या सत्ता है? कुछ नहीं है। और इसी को लेकर के पूरा जीवन चल रहा है। इस तू तू मैं को हटाओ बाबा, तावन मोक्षो न सिद्धति। फिर अविद्या संस्कृति बंधः माया मोह महत्तमः कल्पितानि इति नामानि यस्य सकल वेदभिः। तो इसी संसार को भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं, इसी को बंध कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं, इसी को घना अंधकार कहते हैं। और एतानि कल्पितानि नामानि, यही भिन्न भिन्न नाम कल्पित किए गए हैं, इसी से अपने आप को बचाना है। शब्द कोई भी हो, उसका निचोड़ इतना ही है। जब तक तू तू मैं का धंधा है तब तक संसार चलता रहेगा। इससे अपने आप को बचाओ। और बचाने का जो तरीका है वो क्या है? कम बोलो ज्यादा सुनो। सबसे महत्व की बात बोलने की साधना, क्या बोलना चाहिए इससे भी ज्यादा महत्व की बात है क्या नहीं बोलना चाहिए, ये समझना है। देखो ना पृष्ट कस्यचित ब्रूयात, कोई जरूरत नहीं हर बार अपना ओपिनियन दे दिया जाए हर चीज के बारे में, कौन चाहता है? देखो महाराज, ये पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, और तुम बोलते रहो, किससे बात कर रहे, मैं तो नहीं सुन रहा। उसी में लगे रहते, अपने आप को अपने आप से बचाओ।
जो व्यक्ति अपने आप को अपने आप से नहीं बचा सकता, भगवान भी उसको नहीं बचा सकता। और यही अपने आप से कैसे हम बचाने हैं, पहले देखो कौन बोल रहा है। जब हम अपने आप से बात करते हैं ना, उधर ध्यान देना कौन बोल रहा है। तो आप देखेंगे पति पत्नी भाई बहन दोस्त दुश्मन ये बोल रहे हैं। कैसे बोलेंगे? हम ही प्रश्न का निर्माण करेंगे। यदि उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूंगा, यदि वहां ऐसा हो गया तो मैं ऐसे कहूंगा। कुछ नहीं हो रहा है, अंदर में वाक युद्ध चल रहा है। आप देखो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लोग जो बैठे चुप थोड़ी बैठते। आप इनको कहो पागल हो गए क्या? नहीं, मैं जरा सेंटिमेंटल हूं। सेंटिमेंटल मालूम है ना आपको? मेंटल होने की पहली स्थिति। सेंटिमेंटल आदमी अपने आप से बात करता है, दूसरे को नहीं सुनने को आती वो बात। मेंटल आदमी भी अपने आप से बात करता है, लेकिन वो पब्लिक में वो व्हाट्सएप कर देता है। इसीलिए बोलना 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 ये बहुत भयानक रोग है। चुप रहो, बाहर भी नहीं अंदर भी। और अपने को चुप रखने का एक तरीका है, भगवान का नाम लेते रहो। क्योंकि मन को बिना वृत्तियों के रख करके वर्तमान में रहना हर एक व्यक्ति की क्षमता नहीं होती। तो फिर मन को लगा दो भगवान के नाम में। जब तक वो नाम चलता रहेगा तब तक के दुनिया के विचार नहीं आएंगे। लेकिन हम कम है क्या? सबके सब बिल गेट्स और जॉब स्टीव के डिसेंडेंट्स हैं। एक खिड़की में नाम चल रहा है, दूसरी विंडो में काम चल रहा है, तीसरी विंडो में चाय चल रही है, चार छह विंडो इकट्ठी खुल जाती है और फिर भूल जाते हैं मैं चाय पीऊं कि क्या करूं। देखो, वन थिंग एट ए टाइम। ये करने से ये अपना मन जो है ये मैं और तू के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और ये मैं और तू के संकल्प से निकलने के लिए अब संकल्प किसको कहते हैं और कैसे ये संकल्प मैं और तू को जन्म देता है? जहां हमने इन संकल्पों को नियंत्रण में लाया वहां मैं और तू का हमेशा के लिए शांत हो गया। कैसे करना है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।